बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आज का जो हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट वन थोड़ी बहुत जानकारी आपको है जो आपको सिक्स क्लास में मिली है आज उससे हम आगे जाएंगे पहले हम क्वेश्चन नंबर वन पे जाते हैं ये है गेट आ, the algebraic expression is in the following cases using variables constants arithmetic operations ठीक है तो अगर हम पहले पार्ट पे जाएंगे ये आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है subtraction of z from y subtraction of z from y तो इसको हमें दिखाना है एक एल्ज्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट करनी है हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे यानी कि सब सब subtract करना है Z किस से y से में तो क्या करेंगे हम हम लिखेंगे वाई में से जेड सब्ट्रैक्ट करना वाई माइनस क्लियर वेरी सिंपल सेकंड है वन हाफ ऑफ वन हाफ ऑफ the sum of numbers the sum of numbers the sum of numbers x and y one half of yani ki pehle hame dekhna hai numbers jo hai x and y hai yani ki two numbers x and y to inka sum kya hai sum of x and y kya hoga agar इनका sum करें, addition करें तो वो होगा x plus y तो one half इनका हाफ वो हो गया वन हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्लियर इसी तरह थर्ड पॉइंट पे आते हैं थर्ड पार्ट पे ये है द नंबर जेड द नंबर जेड हमारे पास जेड एक नंबर है मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ मल्टीप्लाइड बाय इट सेल्फ हमारे पास नंबर है जेड ये अपने आप यानी से कि सेल्फ खुद के साथ इसको मल्टीप्लाई करना यानी कि जेड इन जेड जब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका इसकी पावर जो है कुछ नहीं दी हुई है तो वन है इसका पावर जो है वन है तो बेसिस आर सेम कि बेसिसन प्लस वन वो क्या हो गया जेड रेज पावर वन प्लस वन टू तो जेड स्क्वायर बन गया ठीक है तो इसी तरह अगर हम फोर्थ पार्ट पे जाएंगे यह है वन फोर्थ ऑफ वन फोर्थ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू नंबर्स पी एंड क्यू तो पी एंड क्यू का मल्टीप्लाई देख लें इनका प्रोडक्ट देखेंगे अगर हम इनका प्रोडक्ट देखेंगे तो क्या बनेगा वो प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई पी इन टू क्यू यानी कि पी क्यू ठीक है लेकिन वो वन फोर्थ है क्या है वन फोर्थ तो इस तरह बनेगा वन बाई फोर वन फोर्थ पी क्यू क्लियर तो यहां तक चार पार्ट आ गए आगे जाते हैं जस्ट वेट तो फिफ्थ पार्ट पे आए फिफ्थ पार्ट है नंबर्स एक्स एंड जेड हमारे पास नंबर है एक्स

एक्स एंड वाई ये जेड नहीं है वाई है सॉरी एक्स एंड वाई तो वाई स्क्र बन गया एक्स एंड वाई बोथ स्क्र एंड एडेड स्क्र हमने किया इनको अब इनका एड करना है कैसे करेंगे यानी कि इन दो का एड वो हो गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ठीक है तो सिक्स पार्ट है नंबर फाइव एडेड टू नंबर फाइव एक नंबर है हमारे पास फाइव ये एड करना है किसको एडिड टू थ्री टाइम्स टू थ्री टाइम्स नंबर एम एन ये ऐड करना है किसको हमारे पास नंबर है एम एन ये थ्री टाइम्स है यानी कि थ्री टाइम्स जिस तरह ठीक तीन बार तो ये ऐड करना है तो वो बनेगा फाइव प्लस थ्री एम एन उससे क्या बन गया ये फाइव इज एडेड टू थ्री टाइम्स एम एन सेवन पार्ट पे अगर जाएंगे वो क्या है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वाई एंड जेड Y एंड Z का प्रोडक्ट क्या है Y इंटू जेड यानी कि Y Z प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स Y एंड Z सब ट्रैक्टेड फ्रॉम टेन इसको टेन में से लेस करना है तो कैसे करेंगे टेन माइनस वाई जेड क्लियर अब एट पार्ट पे आते हैं यह है नंबर्स a प्लस बी ए प्लस बी ए एंड बी यानी कि a एंड b ये दो नंबर है इनका सम वो सम हो गया ए प्लस बी क्लियर सम ऑफ नंबर्स सब ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट क्या होगा ए बी का प्रोडक्ट ए इंटू बी यानी कि ए बी अब हमारे पास सम है प्रोडक्ट है करना क्या है इसका सम ऑफ नंबर्स ए बी सब ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट प्रोडक्ट में से इसको सब ट्रैक्ट करना यानी कि ए बी माइनस ए बी माइनस ए माइनस बी में लिखे ए बी प्रोडक्ट में से माइनस करना है ये ए प्लस बी क्लियर तो आगे जाइए आठ पार्ट हो गए इसके चलिए नवे पार्ट पे आते हैं नवे पार्ट पे आते हैं डिवाइड द सम ऑफ नंबर्स एक्स प्लस वाई इसको नंबर इसको डिवाइड करना है जेड से डिडेड बाई जेड यानी कि हमें किस तरह लिखना है एक्स प्लस वाई इसका डिवाइड है जेड से बस क्लियर तो इसी तरह लास्ट पार्ट है इसका सब ट्रैक्ट प्रोडक्ट ऑफ पी प्लस क्यू फ्रॉम देअ सम हमारे पास है दो नंबर पी एंड क्यू इनका सम कैसे बनेगा वो होगा पी प्लस क्यू एक तो सम और प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट कैसे निकलेगा वह है पी इन टू क्यू यानी कि पी क्यू सम भी है प्रोडक्ट भी है अब क्या करना है सब ट्रैक द प्रोडक्ट फ्रॉम सम इससे इसको लेस करना है तो पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू ठीक है तो अब हम क्वेश्चन नंबर टू पे जाएंगे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कहीं पे समझ ना आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप कॉल के जरिए तो क्वेश्चन नंबर टू है यहां पे है ये कहते हैं आइडेंटिफाई द टर्म देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हमारे पास एक्सप्रेशन दी हुई है हमें टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है और क्या करना है और उनके फैक्टर्स देखने हैं ठीक है और ट्री डायग्राम इस्तेमाल करना है हम यहाँ पे दो कॉलम बनाएंगे ठीक है यहां पे लिखेंगे एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे ट्री डायग्राम डायग्राम मिसाल के तौर पर ए पार्ट है आपको आसान लगेगा ये परेशान होने की जरूरत नहीं है यहां पर एक्स माइनस थ्री एक्सप्रेशन है अब आपको देखने की कितनी टर्म्स हैं ये ये देखिए जो है एक टर्म है माइनस थ्री दो टर्म में है ठीक है इनको पहचानने की जरूरत है आपको पता है तो ये है एक्स माइनस थ्री हो गया आपको पता चल गया कि इसमें टर्म्स क्या है दो टर्म्स है अब इसका बनाना है कि ट्री डायग्राम फैक्टर्स डोड़ने देखिए कैसे ढूंढते हैं पहला है एक्स दूसरा है माइनस थ्री ये इसका ट्री डायाग्राम बन गया क्लियर अभी समझ में आएगा बी पार्ट पे बी है वन वन प्लस एकस प्लस एकस प्लस एकस प्लस एक्स 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 तो इसका ट्री डायग्राम कैसे बनेगा ये देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूं वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क् तो ट्री डायाग्राम से हमें इसके फैक्टर्स निकलेंगे पहला है वन क्लियर यहाँ क्या है दूसरा दूसरी टर्म क्या है x तीसरी टर्म क्या है एक्स स्क् लेकिन याद रखना x के यहाँ तरफ कोई नहीं है कॉन्सोनेंट नहीं नहीं है टर्म नहीं है टर्म यानी कि टू, कुछ नहीं लिखा है इसी तरह के एक्स कुछ नहीं लिखा है तो माना जाएगा कि ये वन एक्स है ये वन एक्स ये इसलिए बता रहा हूँ आगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये टर्म खत्म ये टर्म खत्म लेकिन ये स्क्वायर में इसको फिर एक बार हम खोलेंगे तो एक्स टू एक्स पावर टू यानी कि x एक्स स्क् दो बार x तो यहाँ पे एक x यहाँ पे एक x ये इसका ट्री डायग्राम बन गया अब चलिए अगले कॉर्ट पे सी पॉट है वाई माइनस वाई क्यूब वाई माइनस वाई क्यूब ये देखिए वाई माइनस वाई क्यूब इसका ट्री डायग्राम कैसे बनेगा पहले ये y है ठीक है और यहाँ पे क्या है माइनस वाई क्यूब यहां तक तो समझ में आ गए दो टर्म है है ना? दो टर्म्स हैं यहाँ पे अब यहाँ पे ये यह सिंगल है इसको क्या करना अब इसको क्या करेंगे मैं अभी कह रहा था अभी एक्स जिसके इस तरह कुछ नहीं है कोई कंस्टेंट टर्म नहीं उसका कोई आ, तो वन है अगर अगर यहां माइनस है तो माइनस वन है क्लियर अब इसकी तीन टर्में हैं ऑलरेडी आप देख सकते हैं ये वाई एक है वाई थ्री थ्री है ना तीन बार है दूसरा वाई भी है तीसरा वाई भी है अगर ये पॉजिटिव होता तो ज़रूरी नहीं था लिखना लेकिन यहाँ पे माइनस है ना ठीक है अभी हमने नहीं लिखा एक्स को वन लेकिन यहाँ पे माइनस है ये जरूरी लिखना पड़ेगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस वन ताकि ये इनका जो है माइनस वन इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई यानी कि वाई पावर वन पावर वन इसका भी वन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड ज पावर वन प्लस वन प्लस वन हो गया थ्री और ये माइनस मल्टीप्लाई फिर इसके बराबर आएगा क्लियर इसलिए बताना पड़ा आप चलिए पार्ट पे डी पार्ट है क्या फाइव एक्स वाई स्क्वायर माइनस सेवन एक्स स्क्वायर वाई ठीक है तो इसको कैसे बनाएंगे यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले ये एक्सप्रेशन फाइव एक्स वाई स्क्र माइनस सेवन एक्स स्क्र वाई पहले टर्म देखेंगे कितनी दो टर्म है दो टर्म्स हैं तो पहली टर्म है फाइव एक्स वाई स्क्र दूसरी टर्म है सेवन एक्स स्क्र वाई क्लियर अब यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं ट्री डायग्राम पहले इसको यहाँ पे देखिए पहले यहाँ फाइव दूसरा है, है एक्स फिर है वाई स्क्वेयर अब यह भी सिंगल है ये वाई स्क्वायर को और आगे बढ़ाते हैं दो वाई है ना ये वाई और यह वाई यहाँ ये माइनस ये मैं भूल गया था माइनस सेवन एक्स अब यहाँ पे आते हैं इसका भी इसी तरह बनेगा पहले है माइनस माइनस सेवन फिर है एक्स स्क्वायर फिर है वाई क्योंकि माइनस सेवन भी अलग है ये भी है, ये स्क्वायर है इसको आगे और इसको फैक्टराइज करते हैं यह है एक्स ये भी एक्स यानी कि दो बार एक्स आप गौर से देखिए यह बन गया इसका ट्री डायग्राम अब इसका लास्ट पार्ट है डी पार्ट जो है इसका ई पार्ट है अब ये है माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस टू बी स्क्र उसके बाद है माइनस थ्री ए स्क्र मुश्किल नहीं है आसान है आप देख लीजिए मैं यहां पे फिर लिखूंगा माइनस ए बी माइनस टू बी स्क्र माइनस थ्री ए एक्र अब देखिए ट्री डायग्राम कैसे बनता है पहले टर्म वाइज अलग करते हैं यह है माइनस ए बी दूसरी टर्म माइनस टू बी स्क्र लास्ट टर्म माइनस थ्री ए स्क्र यहाँ तक तो समझ में आ गया कोई परेशानी नहीं है अब यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे टू थ्री फोर कुछ नहीं तो माइनस वन है अभी मैं बता रहा था तो इसकी तीन टर्म्स बनेंगे यहाँ पे माइनस वन फिर ए और फिर बी यहाँ पे टू है ऑलरेडी यहाँ परेशानी नहीं है यहाँ है माइनस टू फिर है बी स्क्वायर। अब अगर चाहे आप यहाँ पे बी स्क्वायर को इस तरह कर सकते हैं बी दो बार लिख सकते हैं या अगर नहीं ऐसा करेंगे तो यहाँ पे ही आप इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे ये यह दो बी है बी एक और दो यहाँ पे भी इसको आप खत्म कर सकते हैं यहाँ तक ही पहुंचा सकते हैं इसी तरह यहाँ पे माइनस थ्री यहाँ ए सुैयर अगर आप चाहें तो इसको इस तरह कर सकते हैं ए सुक्र ए और ए या ना सही अगर यहाँ पे ए सुर लिख दिया तो इसको और नीचे ले जाना पड़ेगा यहाँ पे ए यहाँ पे यानी कि ए दो बार क्लियर तो क्वेश्चन नंबर दो तक ये आपको मुकम्मल हो गया तो कल इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे आज के लिए इतना ही मुझे दीजिए इजाज़त सलामत रही घर में रहिए और हमेशा मास्क का इस्तेमाल कीजिए अपने हाथ धोते रहिए